गुरु हरि काका जी महाराज नी जय, गुरु हरि पप्पा जी महाराज नी जय, जड ब्रह्म स्वरूपो नी जय जय। परिवेश रमणीय दर्शन मंदहास रुचिरानन बुजुम पूजितम नरोत्तमर्मुदा धर्मनंदन महं विचिन्तये वंदे श्री पुरुषोत्तमं च परमं दामाक्षरं ज्ञानरूपं वंदे प्रागजिभक्त जागाभक्तं वंदे गुरु प्रश्नदा वंदे यज्ञपुरुष दास शरणम् श्री योगिराजं तथा वंदे प्रत्यक्षस्वरूपं गुरुं मोक्षाय भक्त्यर्थदा श्रीमन् निर्गुणमूर्तये च विभवे नानुपदेष्ट्रे सदा सर्वज्ञाय समग्र साधुगुणिने माया अवते निजाश्रित जनां दोष हरते च मे सर्वं सद्गुरुं नमोस्तदे तं ब्रह्मात् नमो मुक्ताय ते ब्रह्मात्मो मुक्तायते ब्रह्मात्मो मुक्तायते सजानंद स्वामी महाराज की जय, गुरु हरि काका जी महाराज की जय, गुरु हरि पप्पा जी महाराज की जय, पृथ्वी पर विचरते सर्व प्रकट ब्रह्म स्वरूपों की जय जय जय। हाल हाल हाल
स्वामी नारायण स्वामी नारायण भज मन प्यारे स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण भज मन प्यारे स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण भज मन प्यारे स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण भज मन प्यारे स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण भज मन प्यारे स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण भज मन प्यारे स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण भज मन प्यारे स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण भज मन प्यारे स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण भज मन प्यारे स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण भज मन प्यारे स्वामी नारायण भक्ति नंदन स्वामी नारायण धर्म नंदन 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 स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण भज मन प्यारे स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण भज मन प्यारे स्वामी नारायण दीन दयाळु स्वामी नारायण परम कृपाळु 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 स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण भज मन प्यारे स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण भज मन
रुपया निवासी स्वामी नारायण गढ़पुरवासी स्वामी नारायण चौपैया निवासी स्वामी नारायण गढ़पुरवासी स्वामी नारायण चौपैया निवासी स्वामी नारायण गढ़पुरवासी स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण अजमन प्यारे स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण भजमन प्यारे स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण भजमन प्यारे स्वामी नारायण पुरुषोत्तम महाराज नी सर्वे गुणातीत स्वरूपोनी प्रगाढ़ ब्रह्म स्वरूप काकाजी महाराज पप्पा जी महाराज बंधु बेलड़ी शताब्दी महोत्सव नी प्रगाढ़ ब्रह्म स्वरूप हरिप्रसाद स्वामी महाराज नी प्रगाढ़ ब्रह्म स्वरूप जसबाई साहेब नी सर्वे गुणातीत प्रगट ब्रह्म स्वरूपोनी जय जय आज के आनंद की जय। 7 जुलाई 2018 फिर से भजन संध्या काका जी का स्मृति दिन आप सबको धन्यवाद है। बारिश दोपहर में बहुत था, मैं पर्टिकुलरली धन्यवादी हूँ इन म्यूजिक मंडली को जो अपना सब छोड़ के प्रशांत भाई हमारे प्रफुल्ल भाई सचिन भाई सब मंडली यू नो प्रथमेश भाई सब मंडली सब छोड़ के सचमुच काका जी के प्रति अपना भक्ति सुमन अदा करने के लिए कोई प्रोफेशनल चार्ज की या कोई भी अपेक्षा के बिना भगवान को काका जी को राजी करने के लिए यहाँ आते हैं। जोरदार तालियां इन पूरी मंडली के लिए। आज बहुत सारी सरप्राइज है। पहला सरप्राइज हमारा उर्मिला बेन है। आफ्टर द ब्रेक ऑफ 5 मंथ फ्रॉम फेब्रुआरी टू जुलाई शी इज बैक ऑन द स्टेज। शी वॉज ऑन द स्टेज ऑन 7th फेब्रुआरी एंड 7th जुलाई। उसके मधुर आवाज से हमको अभी धुन सुनाई। दूसरा हमारे प्रवीण भाई लाड पेरिस से आए थे, आज जा रहे हैं तो उनकी भावना ये थी उनकी और किशोर भाई मास्टर की। किशोर भाई मास्टर भी आज जा रहे हैं लंदन, तो वो भी आज उनका खास खास अभिवादन है, उनको भी खास खास। उसके साथ ठाकुर भाई भी आए हैं पेरिस से। बहुत सारे भक्त आज पुणे से रुमला घोलार से दूर दूर से विरार कल्याण भक्तों को सचमुच धन्यवाद है। आपका जो भाव उसमें भगवान है। वचनामृत की बात बतानी थी तो मनन भाई ने पहले ही महाराज की मूर्ति इतना देखा, मैं से देखा, सब लोग महाराज की मूर्ति में लीन हो गए थे, वृत्ति लग गई थी। सो हम प्रथम भगवान की अखंड वृत्ति के प्रथम एग्जाम में हम पास हो गए। तो धन्यवाद महाराज की प्रसादी का चीज सब बताया मनन भाई ने। दूसरा सरप्राइज हमारे रमीला बेन
दोनों नी का ऑपरेशन करने के लिए करने के बाद आज दर्शन को आ गए लाइक हेमंत भाई मर्चेंट वेरी क्विक आफ्टर द ऑपरेशन ऑफ बोथ द नीज और उसके लिए परेश भाई को धन्यवाद है जैसे महाराज के टाइम पे झीणा भाई दरबार पंचाड़ा में कमरसी भाई वांझा को रखा था और सेवा किया था बिल्कुल उसी तरह सामने से रमीला बेन को अपने घर पे बुला के पोस्ट ऑपरेशन जो केयर लेके ट्रीटमेंट करनी वो करना उसके लिए मैं खास आज को उनको धन्यवाद देता हूँ उनके लिए खूब खूब प्रार्थना भी करता हूँ। ऐसे ही हमारे डॉक्टर मर्चेंट साहेब सदाबहार जो भी बीमार पड़ते हैं तो उनकी सेवा में लगी जाते हैं और आप सब लोग को धन्यवाद देते हुए आज की 7 तारीख कितनी फास्ट आ गई। अभी तो 7 जून को भजन संध्या संतों के साथ की थी, 12 जून को काका जी का बर्थडे किया, 16 जून को मणावदर में काका जी का बर्थडे किया और काका जी की शताब्दी की सभा करके वापिस हम 7 तारीख को आ गए। आज महाराज को प्रार्थना करते हैं, महाराज तुम्हारी मूरत में हम ध्यान लगा के बैठे, वो भजन हमारे तो है मेरी बाहें ग्रह की लाज। घनश्याम भाई ने जो कहा कहूँ हरि करुणा तेरी उसमें महाराज का जो बहुत अच्छा हिंदी भजन था, महाराज को प्रार्थना करते हैं, हे महाराज आपको याद करके आपके नाम से भजन संध्या की शुरुआत करते हैं, आप पूर्ण रूप से प्रकट हो जाना। तो है मेरी बाह ग्रह की लाज, तो है मेरी बाह ग्रह की लाज, मेरे महाराज 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 तो है मेरी बाह ग्रह की लाज, तो है मेरी बाह ग्रह की लाज, मेरे महाराज 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 मेरे तुम पतित के पावन, हम है पतित तुम पतित के पावन,
श्री हरि गनि बनिवाच रे हो श्री हरि गनि बनिवाच रे हो मेरे महाराज 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 मेरे अधम उदाहरण त्रिभुवन तारण अधम उदाहरण त्रिभुवन तारण श्री हरि कृपा के जहाज रे हो श्री हरि कृपा के जहाज रे हो मेरे महाराज मेरे महाराज मेरे महाराज महाराज मेरे महाराज चहुजुग के नर नारी पात की चहुजुग के नर नारी पात की सब ही उतारे आज रे हो सब ही उतारे आज रे हो मेरे महाराज मेरे महाराज मेरे महाराज मेरे महाराज मेरे के प्रभु प्रगट धर्म कुल प्रेमानंद के प्रभु प्रगट धर्म कुल अधम उदाहरण काज रे हो अधम उदाहरण काज रे हो मेरे महाराज मेरे महाराज मेरे महाराज मेरे महाराज मेरे महाराज मेरे महाराज तोहे मेरी पाग रहे की लाज तोहे मेरी पाग रहे की लाज मेरे महाराज मेरे महाराज मेरे महाराज मेरे महाराज मेरे महाराज स्वामी महाराज की जोरदार तालियां हितेन भाई के लिए अद्भुत महाराज को प्रार्थना करी। अभी आज के सब्जेक्ट पे आते हैं। हर 7 तारीख पे कुछ ना कुछ हम सब्जेक्ट जैसा करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि आपको
कुछ 7 तारीख को मैसेज, कुछ ज्ञान, कुछ गोष्ठी, एक वाक्य मिले तो हमारा पूरा मंथ काका जी की स्मृति में गरकाव रहे। काका जी को सबसे ज्यादा चीज कोई पसंद थी महाराज की तो वचनामृत। उनके पास वचनामृत और स्वामी की बातें अखंड साथ में रहती थी। आज भी हरिप्रसाद स्वामी जी के साथ वचनामृत, स्वामी की बात और प्रीते, पुरुषोत्तम बोलिया प्रीते, महंत स्वामी के पास अखंड, ये तीनों कंटिन्यूअस साथ में रहते हैं। तो हमारा भाव ये है कि वचनामृत किस हालत में कैसे शुरुआत हुई वचनामृत की। आपको लगेगा महाराज ने कोई बहुत बड़ा उत्सव किया होगा, बड़ी पैमात में लोग हाजिर हो गए, 2 लाख आदमी की सभा होगी और वचनामृत चालू हुआ होगा, ऐसा नहीं है। कैसे संयोग में वचनामृत चालू हुआ वो आज आपको एक पूर्व इतिहास, जो पहला ही वचनामृत है, प्रथम वचनामृत घड़ा, प्रथम एक अखंड वृत्ति नु, दरेक वचनामृत के ऊपर एक टॉपिक होता है, इसका टॉपिक है अखंड वृत्ति नु। घरड़ा में महाराज कैसे वचनामृत की शुरुआत होती है, संवत 1876 के माक्सर सुधी चौथ के दिन, दिन पूरा बीत गया है, भगवान ने खाना खा लिया है, शाम की गोष्ठी कथा हो गई है, बाद में भगवान पोड़ने के लिए सोने के लिए गए हैं, भगवान अपने भवन में चौक में पलंग ऊपर विराजमान थे, रात्रि दौड़ प्रहर भी दी गई थी, एक प्रहर मीन्स 4 आवर्स 3 आवर्स 8 3 24 8 प्रहर नु एक दिन। तो रात को सूर्यास्त के समय से उन लोग गिनते हैं, 6:30 बजे लगभग सूर्यास्त होता है, महा महीना है, ठंडी का महीना है, 6 बजे तो दौड़ प्रेयर 3 और 4.5 घंटा तो अबाउट 10:30 11 बजे है। गांव में वो टाइम पे रात जल्दी हो जाती है, जो जी बेटा रात जल्दी हो जाती है और लोग 7 साढ़े 7 बजे तो खाना खाके गुड नाइट हो जाती है। अभी यहां के जैसा नहीं था वो टाइम, वो माहौल ऐसा था, वो समय ऐसा था। और रात को भगवान सोने गए, नींद नहीं आती है और वहां मुक्तानंद स्वामी सरोदा के ऊपर डिस्टेंस है, महाराज जहां रहते हैं उसका नाम है अक्षर रोड़ी, अभी दिखाया मनन भाई ने, और जहां परमहंस रहते थे उसकी जगह का नाम था परमहंस नहीं जाएगा, यू कैन से परमहंसों का रहने का स्थान, ये दिखाया है हॉस्टल जैसा या तो अकोमोडेशन प्लेस, वहां संत लोग रहते थे, परमहंसों की जाएगा, इतनी वेल कंस्ट्रक्टेड भी वो टाइम पे नहीं होगी। पर रात बहुत बीत चुकी है, रात बहुत बीत चुकी है, शांत वातावरण है, एक छोटा सा पत्ता भी हिलता है तो आवाज आता है, ऐसी हालत है। इस हालत में मुक्तानंद स्वामी सरोदा लेके बैरागी राग, खुद बैरागी थे, बैरागी राग गा रहे थे और वो राग में इतना सुंदर भजन गा रहे थे कि महाराज की नींद, महाराज की स्टाइल ऐसी थी, अकेले नहीं सोते थे, बाद में 10 बार पार्षद को लेके सोते थे, जैसे गुरुजी बाहर सोते हैं वो भी अकेले नहीं सोते, उनको 10-12 चाहिए, तो महाराज को भी ऐसी स्टाइल थी। महाराज ने बोला इतनी रात गए कौन गाता है ये, तो बाजू में सेवक होगा उसको बोला कि भाई देखो कौन गा रहा है, तो उसको लगा गाने में एक ही आदमी है ब्रह्मानंद स्वामी, वही गाता होगा, तो देखते गए, सेवक मेरे जैसा होगा, महाराज को बोल दिया ब्रह्मानंद स्वामी,
महाराज को तसली नहीं हुई कि नहीं नहीं यू आर नॉट राइट। एक पश्चिम गांव के देवजी भक्त के उठो उठाया, बोलो उठो जाओ जरा देख के आओ कौन गा रहा है। देवजी भक्त गया, रात इतनी गहरी थी कि कुछ दिखने में नहीं आता है। हेलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय। सॉकेट में पानी घुस गया है, पानी बारिश है ना तो सॉकेट गीला हो गया, तो उसकी वजह से तो रात बीत गई है। महाराज को नींद नहीं है। महाराज ने पश्चिम गांव के देवजी भगत को पूछा कि जा भाई देख क्या कौन गा रहा है, वो भी मेरे जैसा होगा। रात को गया, अभी वो टाइम पे रात पे लाइट नहीं थी, संतों का एक ही ड्रेस होता है, दाढ़ी बड़ी हुई रहती है तो पता नहीं चलता है कि कौन गा रहा है कौन है। उसने भी बोलता है ब्रह्मानंद स्वामी गा रहा है। महाराज वॉज नॉट सेटिस्फाइड, महाराज बोलता है नहीं वो नहीं गा रहा है। दया देखो भगवान की। महाराज बोला चलो जाके वेरीफाई करते हैं। महाराज ने उसको फायरिंग नहीं दिया, वो सेवक को, चलो जाके देखते हैं वेरीफाई करते हैं कौन गा रहा है। गान का निमित्त करके श्री हरि मुक्त मुनि को दर्शन देने के लिए आए। सब सो रहे थे, एक मुक्त मुनि प्रेम मग्न होके गा रहे थे और सद्गुरु आधारानंद स्वामी उनकी बाजू में गा रहे थे। आधारानंद स्वामी यही है जिन्होंने श्रीहरि चरित्र सागर
लिखा है जिसके ऊपर पुरुषोत्तम बोलिया प्रीते पुस्तक उसके पे से हुआ है। तो वो गा रहे थे तो उन्होंने देखा, अरे रे तो महाराज आ गए। महाराज ने इमीजिएटली देखो मुक्तानंद स्वामी की साधुता देखो, रात को प्रार्थना करके सो जाने का, भजन करके सो जाने का, ये पहली सीख है कि रात को 2 मिनट 5 मिनट भले जितना टाइम मिले भजन करके सो जाओ, श्वासोश्वास से भक्ति मिला के सो जाओ। पहले सीख दिया महाराज ने, महाराज विराजमान हो गए। और पता है कौन गा रहा है? वो हम देखने के लिए आए हैं। सब संतों बोलने लगे, मुक्त मुनि हमेश के नियम मुजब गा रहे हैं। श्रीहरी बोले कि मुझे कीर्तन तो बहुत पसंद है, भाव है, लेकिन हमको भाव ऐसा ही कथा में भी है। ऐसा कह के रात को 11:30-12 बजे गढ़रा प्रथम प्रकरण की रचना की शुरुआत होती है। बोलो वचनामृत ग्रंथ की फर्स्ट वचनामृत, महाराज की वाणी बहुत पहले बोला होगा अखंड वृत्ति का। 1874 के माक्षर सुधी चौथ महाराज गढ़रा में पहले मुक्तानंद स्वामी को 1855 में मिले लॉज वाव पे ऊपर 55 और 10-65 और 10-75 21 साल के बाद महाराज मुक्तानंद स्वामी के पीछे पड़े हैं कि तू मेरे स्वरूप में वृत्ति लगा, भजन तो गा रहा है किसको याद कर रहा है, क्या कर रहा है, मेरे को याद करता है लेकिन मेरे को कैसा मानता है। महाराज की वृत्ति वहां थी। तो महाराज की वृत्ति भक्तों के ऊपर होती है। अब महाराज हमारी वृत्ति भगवान के ऊपर होती है, लेकिन भगवान की वृत्ति 21 साल हो गए, 21 साल के बाद ये पंचामृत कहते हैं, लेकिन भक्तों की वृत्ति भी महाराज की ओर होती है। 1860 में महाराज जूनागढ़ से गोंडल आ रहे थे, रास्ते में राजकोट गांव पड़ता है। राजकोट में लक्ष्मीबा नाम के भक्त रहते हैं। वो टाइम पे उतारा तो करना ही पड़ता है एकदम, यू कैनॉट ट्रेवल दैट मच, देव टू वॉक और घोड़ी उसके पे जाना पड़ता था। राजकोट में वो लक्ष्मीबा का भाव होगा, उसका नाम था लक्ष्मीबा, लक्ष्मीबा का भाव होगा। तो महाराज रुक गए और नेक्स्ट डे मॉर्निंग आजी नदी में स्नान करने के लिए गए। संतो साथ में है, आजी नदी में स्नान के करके बाद एक पत्थर के पे बैठे हैं। राजकोट गांव का माहेश्वर भक्त नाम का भक्त आया, माहेश्वर भक्त नाम का भक्त आया, माहेश्वर भट्ट, उर्दपुंड तिलक, ब्राह्मण का बेस। जैसे आया महाराज की दृष्टि, महाराज के ऊपर उसकी दृष्टि पड़ी, उसने देखा ये कौन आया है सुबह में। तो महाराज विराजमान थे संतों के साथ और महाराज की मूर्ति ऐसी मन भावन थी, जैसे हमने अभी देखा कि इमीजिएटली अट्रैक्ट, मनहर थे, मन को हरने वाले, मनहर मोस्ट एट्रेक्टिव। तो उसको वृत्ति तरत अट्रैक्ट कर लिया, जैसे उसकी वृत्ति अट्रैक्ट कर लिया, बाद में उसको लगा चलो अभी मैं मेरी शंकर की पूजा कर लूं, बाजू में नेमनाथ महादेव का मंदिर है, वो महादेव का पूजा करने गया। जैसे पूजा करने गया उसका ध्यान नहीं लगता है, ध्यान में वो मूर्ति याद आती है, पूजा करने वो स्तुति बोलने गया हरि ही ओम, वो भूल गया, दूसरी स्तुति बोलने गया शिव महान मत श्लोक, वो भी भूल गया, वो एकदम घबर गया कि मेरे को क्या हुआ है, मेरी इतना साल का शिव पूजन, हाउ आई एम फॉरगेटिंग, व्हाई आई एम डूइंग दिस। जैसे ही उसको ऐसा हुआ आंख में आंसू आ गया, वहां शिवलिंग में से शिव प्रकट हो गए और शिव जी बोले कि भाई माहेश्वर तू जिसकी मूर्ति अभी तेरे को याद आ रही है, जिसकी मूर्ति बैठ गई है, उसका भजन तो मैं भी कर रहा हूं, मैं वहां हूं अभी, उसका भजन मैं कर रहा हूं, मैं वहां हूं अभी, तू जा और उसकी पूजा कर। महेश्वर खुश हो गया, इतने सालों के बाद मुझे शिवजी ने दर्शन दिए, मुझे भगवान ने दर्शन दिए, खुश हो गए, आंख में आंसू आ गए और इमीजिएटली सब पूजा पाठ लेके गया महाराज के पास। एकदम इतना भाव था तो महाराज बोले भट्टी क्या हुआ? तो क्या पूजा करने का है? ओहो करो, महाराज ने उसको इमीजिएटली पूजा करने दिया, पूजा किया, बेटा आंख में आंसू, भट्टी देखो महाराज कितने सोम्य है, शांत है, नो उतावल, नो भट्टी क्या बात है, क्या चाहिए? तो क्या आप मेरे घर पे आके खाना खाना पप्पा। फिर वो प्रसंग ज्यादा है बट कहने का मतलब वो जो माहेश्वर भट्ट को जो वो वृत्ति लग गई 1860 में, माहेश्वर भट्ट
वृत्तामृत प्रथम का 46 आकाश ने लय पाम्यानु वापिस जाता है गड़ा महास्तुति एकादशी के दिन के ऊपर ब्राह्मण था तो महाशिवरात्रि पसंद होती है महास्तुत 13 को शिवरात्रि एकादशी को गया और एकादशी के दिन वो प्रथम का 46 का वृत्तामृत है महाशुद्धि एकादशी उसने प्रश्न पूछा है और वो माहेश्वर भट्ट जो ये गया 66 में और 76 में वृत्तामृत है 16 साल के बाद भी महाराज की वृत्ति ऐसी है वो महाराज ऐसे बहुत सारे भक्त थे जिसकी वृत्ति ऐसी महाराज में लग गई थी और अखंड वृत्ति में भक्त जीते थे और तीनों अवस्था में इतनी आगे बढ़ गए थे कि महाराज कहाँ है वो भी दिखता है विदाउट टेलीफोन विदाउट SMS और विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन दे वर इन डायरेक्ट कम्युनिकेशन विथ यू सो विथ दिस बैकग्राउंड ये अखंड वृत्ति का इतना बैकग्राउंड था महाराज ने वृत्तामृत में बोला है कि अखंड स्मृति रखना वो कठिन में कठिन डिफिकल्ट में डिफिकल्ट साधन है क्यों महाराज ने बोला प्रश्न पूछा है कि हे मुक्तानंद स्वामी बाद में श्रीजी महाराज ने प्रश्न पूछा कि सर्व साधन में कठिन साधन क्यों परमंचो को साधन का भरता इतना तप करो इतना व्रत करो इतना दान करो इतना जप करो इतना वो करो इतना वो करो इतना वो करा महाराज बोला मैं साधन साध्य नहीं हूं मैं इजीली साध्य हूं तो मुक्तानंद स्वामी को बोला कठिन में कठिन साधन कौन सा साधन तेरे साधक थे साधना करते थे तो बोलता है भगवान में अखंड वृत्ति रखना वो कठिन में कठिन साधन है व्हाई दैट बिकॉज दैट इज क्योंकि यह मानसिक साधना है वो देह से कुछ करना है तुमको कुछ करने को बोला ग्याला हमारा करना तो यू डू फिजिकली डू बट टू रिमेन इन कॉन्स्टेंट एसोसिएशन इज अ मानसिक साधना और मानसिक साधना नीड्स कंट्रोल ऑफ माइंड तुमको पहले अपने मन को कंट्रोल करना पड़ता है वृत्ति का एक कॉमन मीनिंग है कि वृत्ति मीन्स खाने की वृत्ति मुझे खाने को मन हुआ ये पीने को मन हुआ ये जाने को मन हुआ वृत्ति बट यहां भगवान उसकी इसी डेफिनेशन देते हैं तेल धारा वृत्ति तेल गिरता है तो एकदम धार 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 लास्ट तक को रहता है करोड़िया है स्पाइडर वो उसकी लाड़ से सब बनाता है तो अलग 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 अपनी लाड़ बिछाता है महाराज वृत्ति का ये एग्जाम्पल देते हैं पतंग की दौर दौर नीचे है पतंग ऊपर है लेकिन जहां तक वो अटैचमेंट है वृत्ति तब तक वो उड़ती रहती है और जो भी तुमने सोचा वो वृत्ति से वहां पहुंच गए मैंने अभी सोचा कि मैं दिनकर भाई के पास बॉकीगन में हूं दिनकर भाई पूजा करता मैं पहुंच गया वृत्ति से मन की वृत्ति से तो ये साधन है बट महाराज ने इसको कठिन में कठिन साधन कहा अभी हम देखेंगे इसको इजी में इजी साधन कैसे करते हैं महाराज की मूर्ति ऐसी है रसघन मूर्ति तुझमा वृत्ति योगी जी महाराज पृथ्वी पे आए काका जी ने बोला ये भगवान का स्वरूप है और काका जी ने पप्पा जी ने खुद लगाया और अपने साथ जो भी था बोलो जोगी में जुड़ जाओ रसघन मूर्ति तुझमा वृत्ति अखंड रहे ये भी देने जागृति हमको ये भी अवेयरनेस दो कि हे भगवान हम तेरी वृत्ति में जागृत से अटैच रहे ऐसे भाव वाला भजन जितेन भाई प्रस्तुत करते हैं रसघन मूर्ति तुझमा वृत्ति रसघन मूर्ति तुझ मावृति अखंड रहे एवी देन जागृति रसघन मूर्ति तुझ मावृति अखंड रहे एवी देन जागृति रसघन मूर्ति
प्यारा नूजे प्यारू ते मारू मारू प्यारू चे तेने नकारू प्यारा नूजे प्यारू ते मारू मारू प्यारू चे तेने नकारू डगलू भरता आवो विचारू डगलू भरता आवो विचारू भूलू नहीं दे दी तने संभारू रस गल मुर्दी तुझे माबृति अखंड रहे भी देने जागृति रस गल मुर्दी सकल कार्य थाए तारु नियोजित तारु प्रेरित तारु नियंत्रित सकल कार्य थाए तारु नियोजित तारु स्वरूप छे तव आश्रित तारु स्वरूप छे तव आश्रित महिमा एवो करी दे अंकित महिमा एवो करी दे अंकित रस गल मुर्दि तुझ माबृति अखंड रहे भी देने जागृति रस गल मुर्दि कार्य जे तू करावे बनवू छे मारे जे तू बनावे करवू छे कार्य जे तू करावे बनवू छे मारे जे तू बनावे कोई प्रसंगे आनंद न जाए कोई प्रसंगे आनंद न जाए अपेक्षा एक ज तारी रखाए अपेक्षा एक ज तारी रखाए रस गल मुर्दि तुझ माबृति अखंड रहे भी देने जागृति रस गल मुर्दि तुझ माबृति अखंड रहे भी देने जागृति रस गल मुर्दि जोरदार तालियां हितेन भाई बहुत अच्छा काका जी की मूर्ति खड़ी कर दी और काका जी बहुत इजी करोड़ों धन्यवाद हो काका जी को बापू 28 जून 1952 को इसका सॉल्यूशन दिया है 28 जून 1952 दिल्ली से कागज दिखाए एक दो लाइन पढ़नी जैसी है बट पढ़ना पड़ेगा यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस बिकॉज काका जी को समझना है स्वरूप को समझना है तो उसकी वाणी को उसके आशीर्वाद को समझना पड़ेगा और ये मेरा भाव भी यही है वचनामृत में क्यों लेता हूं क्योंकि अभी नियमी एकादशी आएगी तो भरत मैंने ऑलरेडी तुमको बोला हुआ है कि भाई हर रोज एक वचनामृत पढ़ो अभ्यास रखो उसका पहली बार समझ में नहीं आएगा वापस पढ़ो तीसरी बार
यू विल रियली अंडर इट्स अ मिरेकल, चमत्कार है वचनामृत। तो वो काका जी ने हमारे लिए पूरा दोहन करके सॉल्यूशन दिया है, क्योंकि वृत्ति है ना वो अंतकरण की बात है, मन बुद्धि चित्त और अहम। महाराज ने उसका डिस्क्रिप्शन गडरा प्रथम 12 में दिया है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस मन बुद्धि चित्त और अहम। एकदम सूक्ष्म में बताते हैं, मन मीन्स जो बंदर जैसा, जो बच्चे जैसा, वो भी राजेश का बच्चा है ना, बैठता ही नहीं है, धजा की पुछड़ी जैसा, धजा की पुछड़ी देखो फुर हिलती रहती है, इट कैनॉट बी कॉन्स्टेंट, चार पांच बंदर जैसा, तो वो संकल्प विकल्प करते रहता है। उसमें डेफिनेशन दिया, संकल्प मीन्स देह के संबंधी बातें और विकल्प मीन्स विषय के संबंधी बातें। बुद्धि का स्टाइल है, नेचर है संशय करने का, और उसको काका जी पॉजिटिव बता देने का, निश्चय करने का, स्मृति रखने का, रात को सोने का। चित्त का स्वभाव है चिंतन करने का, क्रिएटिविटी का, और अहम का है मैं और मेरा त्रिगुणात्मक है, पर काका जी वहां बोलते थे मैं भगवान का, वो लगा दो अहम, मैं हूं निकाल दो, मैं भगवान का। तो ये चारों को एक हो जाए तो भगवान में ये चारों लग जाएगा तो अखंड वृत्ति रहेगी, मन से बुद्धि से चित्त से अहम से। काका जी बोलते थे सर्व प्रकारेण, वो क्या बोलते, वृत्ति रखने के लिए तुमको भगवान का प्रकट स्वरूप चाहिए, ह्यूमन फॉर्म में एंटिटी चाहिए जिसके ऊपर तुम कंसेप्ट, राधा का श्याम, मीरा का मोहन, परमहंसों का महाराज, हम हमारे लिए महाराज गुणाध्यान स्वामी, काका जी, पप्पा जी, हरिप्रसाद स्वामी जी। क्या बोल रहे हैं काका जी ने कि अगर ये आपको अखंड वृत्ति सिद्ध करना है तो वो जो सत्पुरुष का महिमा वर्णन लीला समैया जो चार बात है, महिमा वर्णन लीला समैया, उसको सुनने का, गाने का, जो भरत भाई ने बोला है हर रोज काका जी का एक प्रसंग सुनो, या तो किसको सुनाओ या तो किसको बोलो मेरे को सुनाओ, सामान्य का, धारने का उसको हृदय में धारने का, कहने का उसको, चिंतन करने का, निरंतर याद करने का उसको, स्मृति बना के हृदय मंदिर में जड़ देने का, और मूर्ति को चलते हरते फिरते खाते उठते बैठते गाली देते हुए गुस्से देते हुए, गुस्सा करते भी मूर्ति को याद करो, काका जी कितने दयालु है, गुस्से करते हुए साग सब्जी काटते हुए, सब्जी को वघारते हुए, नहाते हुए, कपड़े बदलते हुए, माला फिरते हुए, नामीय सहित नाम दिव्य सनातन सरोपरि सर्वाधार लेके भजन करना, स्थूल सूक्ष्म कारण से विपर पराभक्ति रूप निष्काम भगवान को रात को सुता पहला और सुबह में उठते के साथ शुद्ध मने, देखो मन आया, शुद्ध चिते आत्मा कार्य सर्वोपरि उपासना सह, तो महाराज राजी राजी और राजी रहेंगे। इतना अद्भुत काका जी ने एक सेंटेंस में अखंड वृत्ति कैसे रखने का अपने को दिखाया है, और तो अनुवृत्ति प्रकटे, और अनुवृत्ति के लिए काका जी ने बोला है ये अनुवृत्ति पड़े एटला तमे ब्रह्मरूप, जितनी अनुवृत्ति का पालन करोगे उतने तुम ब्रह्मरूप। फिजिकली ब्रह्मरूप आप क्या डेफिनेशन करोगे, आंख बंद करोगे अंधेरा दिखेगा, लेकिन ये करोगे तो वो ब्रह्मरूप में वर्ती आए थे जैसे, तो ऐसा ब्रह्मरूप। और इसके लिए हमारे बहनों ने, मुक्तों ने, भक्तों ने ऐसे भजन बनाए कि ऐसी मूर्ति को याद करते हो। तो गुरु जी ने बहुत अच्छा भजन बनाया, तेरी मूर्ति को देखा तो ऐसा लगा जैसे करुणा का धोत, शक्ति का पूंज, प्रार्थना की गुंज, भक्तों का सांस, निराशों की आस, कड़कती धूप में ममता की आस, ऐसा भजन हमारी उर्मिला बहन, तेरी मूर्ति को देखा।
थैंक यू उर्मिला बेन, आपने तो सचमुच काका की मूर्ति में डुबो दिया। वी मिस्ड यू फॉर 5 भजन संध्या। बिग हैंड फॉर उर्मिला बेन। एक दूसरा भी, हाँ पांसड़ी भी बहुत अच्छा, जोरदार तालियां हमारे प्रफुल्ल भाई। प्रफुल्ल भाई बहुत अद्भुत। और देखो आपने जो गाया ना, महाराज को पहुंच गया। कैसे? महाराज ने दूसरा वचनामृत वृत्ति में रेफरेंस दिया है, वचनामृत गढ़ला प्रथम 8, अभी सुनना। और मुनि दुक्कड़ सरोदा ढोल कैसे नहीं लिखा है लेके कीर्तन गाते थे। वो टाइम पे भगवान का मन अंदर हो गया, लीन हो गया कीर्तन में। वो टाइम पे श्री जी महाराज अंतर्दृष्टि करके ध्यान मुद्रा युक्त होके बहुत बार दर्शन दिए। भजन सुन के महाराज ध्यान मुद्रा में, बाद में नेत्र कमल को खोल के सब सभा के सन्मुख देख के बोले, अभी सुनो बात करते हैं। वचनामृत वर्ताल का 8वां ये वचनामृत कभी कभी कहा। दिस वचनामृत सीजी महाराज इज टेलिंग इन 1876 में चालू किया है, लेकिन महाराज का ध्यान वही वृत्ति पे है, अखंड वृत्ति। महाराज बोले, सुनो एक बात करते हैं। यह नेत्र की वृत्ति अरूप है, तो भी वृत्ति के बीच में जो पदार्थ बीच में आता है वहां रुकती नहीं है। वो वृत्ति स्थूल है, पृथ्वी प्रधान तत्व है, लेकिन जहां वृत्ति परमेश्वर का भक्त परमेश्वर के स्वरूप में रखते हैं तो वृत्ति वहां पतली डोरी की वैसे चल जाती है। जैसे आप बैटरी मारो, बैटरी का प्रकाश होता है, वो कहां रुकेगा नहीं। अभी समझो सामने काका जी की मूर्ति है, फट करते मारो करता हो जाएगा, इट नॉट स्टॉप इन बिटवीन। वृत्ति इज लाइक दैट। ये महाराज ने बोला, और ये वृत्ति कृपा से रहती है, और कृपा करके भरत भाई ने वो सब काका जी की छोटी छोटी क्लिप हमको भेज दी है। अभी हमने वो भी देखा, वो क्लिप में से काका जी ने अखंड वृत्ति की बात की है।
तो हम कुछ बोले उसके बिना सुनते हैं कि काका जी अखंड वृत्ति की क्या बात करते हैं। अगर हो मनन भाई, इज इट रेडी? कि इट विल टेक टाइम। तो अभी जो क्या बोले काका जी की क्लिप थी अखंड वृत्ति के ऊपर, 100 में से ये रिसर्च टीम को धन्यवाद है, अखंड वृत्ति की ट्रिप धुन निकाला और वो रखते हैं काका जी की वाणी में। अगर टाइम है तो उसके बाद में रखेंगे। आज एक दूसरा भी सरप्राइज है हमारे यहाँ, बालक पहलो बार कार्याणी नो पति नव अने सारंगपुर दस मारा आत्मा भगवान अखंड विराजमान छे। तो भगवान भगवान मनमात्र छे के नी छेला नव प्राण सूचान करियो अनुसंधान के पहला कर उपयोग कर लीजो अजपा जप जो मन ने प्राण मा एनी मेरे चालतो से स्वम नारायण जय मा हूं कहूँ प्राण वायु चालतो था हूँ पेलो पेला पेली रीते स्वम स्वम कर आपे शुभ स्वामी नारायण। માનસિક મંત્ર અજપા જપ 100 ગણો પાવરફુલ એક માળા તો 100 માળા આ અડધો કલાક એક 60 માળા થાય અડધા કલાકમાં 6,000 માળા અથવા 600 માળા જીવમાં કરો તો 6,000 માનવીને પ્રાણની એકતા કરીને કરો અજપા જપ રીતે જાણપણું રાખીને મારું સચિદાન સ્વરૂપ છે ભાઈ એ રાખીને એથી કોન્શિયસનેસ રહી પણ પેલા મારા કોન્શિયસનેસ નહીં હું અખંડ બ્રહ્મ સ્વરૂપ માનું છું ભગવાન વ્યાસ હું અખંડ અક્ષરધામમાં તો એક માળા એક તો 1,000 માળા એક માળા એટલો 1,000 માળા એ અડધો કલાક આ ફેરફાર કરશે ત્યાં સ્વામી નું વાક્ય કરોડો જણા વંદે દ્રષ્ટિ કરોડ ના બને એ મહિનામાં આ પ્રોસેસ કરોડો ધ્યાન કરતા આ ધ્યાન આ મહિમાનો વિચાર બ્રહ્મનો વિચાર પ્રત્યક્ષનો વિચાર એને પકડી રાખવાનો વિચાર એમાં રહીને પ્રેરણા થાય કરવાનો વિચાર કુદરતી ક્રિયાઓ કરો જાગે જવાનું કરો બોલવા ચાલવાનું જરૂરી હોય કરો સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ કરતા જરૂર થઈ શકે ભજન કરતા કરતા જરૂર થઈ શકે સિદ્ધાંત કરીને જરૂર થઈ શકે આ આપણે કરવું આ આપણો પ્રસ્તાવ મૂક્યો આપણું મંગળાચરણ મૂક્યું કઈ રીતે ક્રિયા કરવાનો પ્રોસેસ મૂક્યો એમ આપણે શરૂ કરવું સૌને ખૂબ ખૂબ એવું બળ આપી એવા ઉડતા કરી દે ઉડતા કરી દે ડિવાઇન કોન્શિયસનેસમાં રહેતા કરી દે અને એમાં બીજાનું માથાકૂટ જ નહીં દિવ્યતા દિવ્યતા જ જોવી છે અહો ભાવ સદભાવ ને સુહૃદ ભાવ પેલા અહો ભાવ સ્વરૂપ લખ્યું પછી સદભાવ પછી સુહૃદ ભાવ તો નિર્દોષ ભાવ આ યજ્ઞ ભાવનો યજ્ઞ વર્તવામાં જોજો શરૂઆત સ્વરૂપ લક્ષી દરેકમાં અહોભાવ અહો સદભાવ સુહૃદ ભાવ નિર્દોષ ભાવ એ અખંડ વૃત્તિ રહી પછી તેવું પડી જશે એના ઇન્દ્રિયો અંતર પર કાં જતા રહેશે ખબર નહીં પડે એના મિત્ર બની જશે શક્તિ પેદા કરશે શક્તિ પેદા આ મહાશક્તિ બ્રહ્મશક્તિ બધું બ્રહ્મની ઇન્દ્રિય ચાલે છે આપણાથી બન્યા કેવા કરે इसमें काकाजी ने बोला ऐसा अखंड अहो भाव दिव्य भाव अभी महाराज ने तो अपने को प्रूव कर दिया हमने को भत्तामृत अड़ताल अपन वर्ताल 8 पढ़ा तभी बोला नहीं था कि महाराज सरोदा दुक्कड़ लगे बैठे थे पर वही सीन हाँ वही सीन अभी प्रकट हुआ था महाराज ये प्रकटपणा की अब काका जी बोलते हैं इस प्रकटपणा को अहो भाव को सद्भाव को निर्दोष भाव को पकड़ के रखो ब्रह्म नियंत्रित है ब्रह्म नियंत्रित है वो अखंड वृत्ति काका जी अखंड वृत्ति की डेफिनेशन ये की उसका मतलब यह हुआ कि पूरा जो बाहर है वो अंदर आपके साक्षी में समा गया है भगवान साक्षी रूप अखंड है तो हे वो प्रार्थना करते हैं
तू अखंड रहने अंतर मा मारो साथी बनी मुझे संग मा साक्षी बनी अंगो अंग मा तू अखंड रहने अंतर मा मुकेश भाई हमको सुनाई सजानंद स्वामी महाराज गुरु हरि काका जी महाराज जय गुरु हरि पप्पा जी महाराज सर्व प्रगट ब्रह्म स्वरूपो नी जय जय अखंड रहने अंतर तू अखंड रहने अंतर मारो साथी बनी मुझ संगवा साक्षी बनी अंग अंग मा तू अखंड रहने अंतर मा तू अखंड रहने अंतर मारो साथी बनी मुझ संगवा साक्षी बनी अंग अंग मा तू अखंड रहने अंतर मा तू अखंड रहने अंतर मा
तरुमा एक तरुमा तेती संबंधिनी पा ममता ती नम तरवा प्रगति करता प्रगति करता चैतन्य महानी बजत रहु सतसंग गीत वधु सतसंग गीत वधु सतसंग रे पहले बोला कि दूसरा भी एक सरप्राइज है, एक वेदांत करके लड़का है जो हमारे बाल मंडल में आता है, बाल मंडल की शिविर में आता है। आजा बेटा, तो गीता का 15वां अध्याय उसको मुखपाठ है। पहले भी स्मृति करते एक लड़की आती थी, स्मृति जोशी, आई डोंट नो वेदर जोशी साहब हैज कम टुडे और नॉट, वो यहां आती थी बाल मंडल में, बोलती थी आज वो इंजीनियरिंग हो गई, एमबीए हो गई, एमबीए हो गई, रिलायंस डिजिटल में वो उसका जॉब लगा। बोलो तो यहां जो बच्चे आते हैं बाल मंडल में आते हैं, शिविर में आते हैं, उसका इतना बड़ा ग्रोथ होता है। जैसे हमने बेटा यहां एक खड़ा रह जाए, जमेगा ना। तो वेदांत विल टेक अस थ्रू, और गीता का 15वां अध्याय रहस्य अक्षर पुरुषोत्तम योग, और वो बाद में नेक्स्ट भजन में लेता हूं। गीता का 15वां अध्याय, पूज्य वेदांत। हरिओम। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ पञ्चदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदशाखम् अश्वस्तं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदविदा अदश्चोद्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा
तिष्ठा अस्वस्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा तदपदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत प्रवृत्ति प्रश्रुता पुराणी निर्मानमोहाचितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखस्वप्नैः गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्दाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्तानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि सम्याति वायुर्गन्धानि वासयात स्तोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अदिष्टाय मनष्टायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्युतं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृत्वेदविदेह चाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमपुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदारतः यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रदितः पुरुषोत्तम स सर्वविभजति मां सर्वभावेन।
सम्मूढः जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविभजति माम् सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नख एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सद इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः हरि ओम् जोरदार तालियां वेदांत के लिए अद्भुत वेदांत इतना बड़ा 15वां अध्याय मुखपाठ करके वेदांत ने हमको सुनाया और भगवान ने बोला उपनिषद ब्रह्म विद्या और वही अर्जुन को भगवान बोलते हैं गीता में भी जो महाराज ने बोला कि मन चंचल है ऐसा गीता में भी बोला है पीपल के पान जैसा हाथी के कान जैसा बालक जैसा भूत जैसा वायु जैसा नील बंदर जैसा मन चंचल है और जब भी गीता में अर्जुन ने पूछा सब लोग बोलते हैं कि ये कम कैसे करे तो उसका अभ्यास करना पड़ता है अभ्यास है ना तो कौनते हे कौनते यू हैव टू स्टडी यू हैव टू कंसेंट्रेट और वो बहुत अद्भुत बात बताई है जब अर्जुन ने पूछा जो भरत भाई ने हमको बताया वायुओं ने होठ हंसता रखो बट दैट साधना इज फ्रॉम इनसाइड मन नहीं साधना चे गुस्सा क्या आई वो गुस्सा कहाँ आता है मन में बाद में हम बोलते हैं हराम खोर वो बाद में बोलते हैं पहले तो यहां तो हयू और होठ हंसता रखो उसका भगवत गीता में 17वां अध्याय में 16वां श्लोक बोला है भगवान ने मन प्रसाद सौम्यत्वम मौन आत्मविनिग्रह भाव संगुति इति मेत्ययो मानस समुचितये मन को प्रसन्न रखना बड़ा तप है भगवान बोलता है मन की प्रसन्नता शांत भाव भगवत चित भाव भगवत चिंतन करने का स्वभाव मन का निग्रह और अंतकरण के भावों की भलीभांति पवित्रता इस प्रकार के यह मन संबंधी तप कहा जाता है दिस अ मेंटल शांत की साधना है और ऐसी भाव शुद्धि करके भगवान के स्वरूप में आराधु अखंड प्रेमे उर्मिला ऐसा भाव शुद्धि करके जब भी हम प्रार्थना करें तो भगवान हमें जरूर जरूर वो तीर्थों में नहीं मंदिरों में नहीं जिसको लोग ढूंढते हैं जो साधन से जो बात काका जी करते हैं साधन से मिलेगा ऐसा हम मांगते हैं लेकिन हमको मानव स्वरूप में मौजूद यहाँ मिलेगा जो कल्पना परिकल्पना हम करते हैं जो विदाउट प्रयास कितना काका जी ने दया किया विदाउट प्रयास किया था नहीं प्रयास प्रभु में तेरे लिए मां बन के फिर भी गोद में उठा लिया तूने ब्रह्मानंद स्वामी को बोलो या महेंद्र बापू को बोलो आप तो ऐसा भाव वाला भजन पहले हमारे विनोद भाई प्रस्तुत करते हैं बाद में उर्मिला बेन का भजन है पहले हम सुनते हैं तीर्थों में मंदिरों में जो नहीं मिला किया था नहीं प्रयास प्रभु में के लिए मैंने बोलो स्वामी नारायण भगवान की बोलिए शास्त्री जी योगी जी महाराज की जय काका पप्पा हरि प्रसाद स्वामी महाराज की जय गुरु जी महाराज की जय अक्षर विहारी स्वामी महाराज की जय
जसबाई साहेब की जय, सभी स्वरूपों की जय जय। बोलिए बंधु बेड़ी शताब्दी महोत्सव की जय जय जय। तीर्थों में मंदिरों में जिसे तीर्थों में मंदिरों में जिसे ढूंढते हैं लोग, साधन से वो मिले मानते हैं लोग। मानव स्वरूप में वही मौजूद है यहाँ, प्रभु प्रकट है पर जानते हैं लोग। प्रभु के लिए मैंने किया था नहीं प्रयास, प्रभु के लिए मैंने मां बन के फिर भी गोद में उठा लिया तुमने, मां बन के फिर भी गोद में उठा लिया तुमने, पल पल मेरे चैतन्य का यतन किया तुमने, पल पल मेरे चैतन्य का यतन किया तुमने। कमाल है गुरु जी आए मेरे जीवन में, कमाल है गुरु जी आए मेरे जीवन में, कमाल है गुरु जी आए मेरे जीवन में। जगह आनंद भर दिया, आशय मेरे के आपने निश्चिंत कर दिया, करी नजर अंदाज गलतियां मेरी तुमने, करी नजर अंदाज गलतियां मेरी तुमने, राष्ट्र की उनके आपने अपने सर लिया, विशलेख जीवन का मेरे अमृत लिया तुमने, अवतारों को दुर्लभ वो जोग दे दिया तुमने, पल पल मेरे चैतन्य का जतन किया तुमने, पल पल मेरे चैतन्य का जतन किया तुमने। कमाल है गुरु जी आए मेरे जीवन में, कमाल है गुरु जी आए मेरे जीवन में, कमाल है गुरु जी आए मेरे जीवन में। संबंध तेरा पाया तो
प्रभु को बसाया। दर्शन जो तुम्हारा पाया तो दर्शन जो तुम्हारा पाया तो दर्शन जो तुम्हारा पाया तो प्रभु का एहसास हुआ मुझको। मन की गति पूर्ण विराम हुई नैमी शरण्य मिला मुझको। दर्शन जो तुम्हारा पाया तो मन एहसास हुआ मुझको। मन की गति पूर्ण विराम हुई नैमी शरण्य मिला मुझको। जन्मों की मेरी प्यास बुझी ब्रह्म रस भरी बड़ी आंखों से। जन्मों की मेरी प्यास बुझी ब्रह्म रस भरी बड़ी आंखों से। नेति नेति वेदों ने कहा साकार वो तत्व मिला मुझको। दर्शन जो तुम्हारा पाया तो प्रभु का एहसास हुआ मुझको। मन की गति पूर्ण विराम हुई नैमी शरण्य मिला मुझको। दर्शन से तेरे अंतर द्वंद मेरे शांत हुए तथा वार्ता दर्शन से तेरे। कुरुक्षेत्र का मेरे अंत करे कुरुक्षेत्र का मेरे अंत करे ओ सारथी कृष्ण मिला मुझको। दर्शन जो तुम्हारा पाया तो प्रभु का एहसास हुआ मुझको। मन की गति पूर्ण विराम हुई नैमी शरण्य मिला मुझको। दर्शन जो तुम्हारा पाया तो प्रभु का एहसास हुआ मुझको। मन की गति पूर्ण विराम हुई नैमी शरण्य मिला मुझको। सागर हो तुम मैं लहरी हूँ। सागर हो तुम मैं लहरी हूँ। तुम सूर्य मैं किरण अनुग्रह है करुणा में तेरा किया मुझको जो ग्रहण। शब्दों में ना बयान हो इतना दिया तुमने। शब्दों में ना बयान इतना दिया तुमने। रखूं अखंड याद कितना कुछ किया तुमने। रखूं अखंड याद कितना कुछ दिया किया तुमने। शब्दों में ना बयान हो इतना दिया तुमने।
भक्तों का खंड याद कितना कुछ किया तुमने पल पल मेरे चैतन्य का जतन किया तुमने पल पल मेरे चैतन्य का जतन किया तुमने कमाल है गुरु जी आए मेरे जीवन में 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 बोलिए कमाल है गुरु जी आए मेरे जीवन में 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 अक्षर विहारि स्वामी महाराज की बंधु बेल शताब्दी महोत्सव की जय 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 जोरदार तालियां विनोद भाई के लिए प्रत्यक्ष स्वरूप में हम हमारा जितना मन जुड़े तो मन को शांत करने का दिव्य करने का सरल में सरल उपाय जो मुक्तानंद स्वामी को नित्यानंद स्वामी के जिक्र से महाराज ने बताया कि मेरे चरित्र का गान करो भागवत में 17 अध्याय किया 17 पुराण किया व्यास जी को शांति नहीं हुई नारद जी ने बताया कृष्ण भगवान की लीला का गान करो श्रद्धा से महात्मा से गढ़राम मध्य 4 में स्वामीनारायण भगवान उपाय बताते हैं कि अखंड चिंतन हो उसकी ऐसी श्रद्धा चाहिए और ऐसी श्रद्धा न हो तो इतना महात्म्य जागृत करके जो श्रद्धा नहीं है तो उतना महात्म्य जानने में काचप है कमी है और निश्चय में भी इतनी कमी है तो हम आज भगवान को प्रार्थना करते हैं आराधु अखंड प्रेमे हे भगवान काका जी ने हमको प्रत्यक्ष स्वरूप की पहचान कराई उनके स्वरूपों की पहचान कराई वो संकल्प से हमारा जतन करते हैं हमारे सामने ही उसका प्रत्यक्ष वर्तन है हमारे सामने वर्तन कर रहे हैं भरत भाई बापू दिनकर भाई गुरु जी वो हम देख के न रहे ये देखी ना रहे या नहीं वो खाली देख के नहीं आपको कोड़ा समझ के लेकिन अंतर जप रटतू रहे अभी काका जी ने बोला अंतर जप करो ऑब्जर्व व्हाट इज नॉन सीन ऑब्जर्व द मोटिव बिहाइंड द एक्शन ऐसा करके प्रार्थना करो आराधु अखंड प्रेमे उर्मिला बेन आराधु अखंड प्रेमे आराधु
स्वामी महाराज की जोरदार तालियां उर्मिला बहन के लिए। सचमुच हमारी प्रार्थना को भाव दे दिया और महाराज ने आज हमारे बर्थडे के ऊपर नीलम बहन भी आए हैं और वो मेरठ में रहते हैं लेकिन उसकी वृत्ति बंबई में होती है। अखंड वृत्ति का टॉपिक उसको दिया नहीं था लेकिन उन्होंने जो दो भजन लिखे हैं वो भी अखंड वृत्ति पे ही है। एक है भजन, ये मेरी अर्जी है मैं वैसी बन जाऊं, और दूसरी ये अपनी धुन में मैं रहती हूं। तो दोनों भजन अखंड वृत्ति पे है। महाराज ने जो उर्मिला बहन ने प्रार्थना करी, महाराज ने अपने को उपाय बताए, बहुत फास्ट बताता हूं बट सुन लेना, चाहे तो नोट कर लेना वचनामृत एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वचनामृत गोइंग होम। भगवान उपाय बताते हैं अखंड वृत्ति रखने का। फर्स्ट गढ़रा मध्य 36, चित को चोटने का स्वभाव है, चित जहां दिखता है वहां चोट जाता है। तो महाराज बोलते हैं लोया 10 में कि देश काल क्रिया मंत्र शास्त्र देख के भगवान के जो स्वरूप है उसमें अपनी वृत्ति चोटाड़ दो। दूसरा उपाय सुरवीरता का, इंद्रिय अंतकरण थर थर कंपता भरे लोया 2 मध्य 63 सारंगपुर 3 करणिया 3, उसका ये क्या है सुरवीरता का कि वालेरा वरु, खाली नारद जी के वचन पे सुना वाल्या लुटारा में से वाल्मीकि ऋषि हो गया। तुलसीदास, खाली वाइफ ने बोला तू मेरे लिए इधर आया उसके तो अच्छा है भगवान का उत्कर, तो रामायण में से तुलसीदास बन गए रामायण के। जुबन पगी, मान की घोड़ी चुराने आया था लेकिन भगवान में सुरवीरता, तो भगवान के बिना वो भगवान की रज बिना खाता नहीं था, रज खत्म हो गई देह त्याग कर दिया। ऐसे सुरवीर भक्त हारिल पक्षी, वो दोनों अपने लकड़ी पकड़े रखता है। बिल्व मंगल भिक्षा लेने गया, जहां लेने गया कोई लेडीज अच्छी थी, आंख मिल गई, आंख फोड़ डाली और सूरदास हो गया। और सूरदास की भजन का आ देखो सुरवीरता। तीसरा उपाय आध्यात्मिक डर भय, परीक्षित राजा को मोक्ष श्राप हुआ तो उसको लगा 10 दिन के बाद मेरा मौत है, अरे भागो रे भागो 10 दिन के बाद मेरा मौत है। इसलिए काका जी परीक्षित जीवी तालावेली इंस्टेंट रूपांतर, तुम्हारा कॉन्सेंट्रेट फास्ट रूपांतर हो जाएगा क्योंकि तुमको मालूम है कि 7 दिन के बाद मेरा मौत है, मेरा मौत मुझे दिख रहा है। पल पल हमें मौत दिखना चाहिए तो ये भर डर आएगा, लेकिन हमको महाराज का ही डर नहीं है। नथी जेने नथी महाराज नो डर ते कहो के थी बियेरे एवा पापी न पुंज अनु देखी ने दूर रहिए रे, कहे निष्कुणानंद ते सोच कही कही केटलू कहिए रे। महाराज का ही डर नहीं है तो तुम किसका डर लगेगा, तुम महाराज को किस्से में रखते। काका जी बोलते हैं काका जी किस्से में, दैट इज नॉट दी अखंड वृत्ति रखने का उपाय। डर से भगवान मेरे प्रभु नाराज हो जाए, गोपियों ने खाली देखा कि मेरे भगवान की मर्जी नहीं है, पासी बढ़ गई बीनियों, इतना में शब्द लिखा है। और लास्ट महाराज उपाय बताए वैराग्य, देह के प्रति वैराग्य और आत्मा में जुदा समझे। गढ़रा प्रथम 34 में माइक पदार्थ के विषय दोष बुद्धि, और गढ़रा प्रथम 36 सच्चे त्यागी का, प्रथम का 49 अंतर्दृष्टि का, और भगवान की स्मृति का अभ्यास रखना। काका जी इसको स्वरूपयोग में कन्वर्ट करते थे, गढ़रा प्रथम 22 23 24, गढ़रा अंत्य 9 जानपणा रूप दरवाजे रहना, और गढ़रा मध्य 10 अभ्यास करीने वृत्ति ने स्थिर करी। अभ्यास है ना तू कौनते, हर रोज 10 मिनट बैठो वृत्ति को स्थिर करने के लिए, कंसेंट्रेट मध्य 10। तो ऐसा अद्भुत उपाय महाराज ने बताया है। एनीबडी वॉन्ट्स हार्ड कॉपी ऑफ दिस कैन गेट फ्रॉम मनन, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एंड इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ। तो आज वही भाव वाला भजन हमारे नीलम बहन आए हैं खूब दूर से, थोड़ा लेट भी हो गया लेकिन आज बैठना, कल तो संडे है कोई जल्दी नहीं है, और ये हम आज का पूरा लाभ लेके ही जाएंगे। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय। नीलम बहन मेरी एक अर्जी जो काका जी को मैं समर्पित कर रही हूं, प्रस्तुत कर रही हूं,
Come on.
हर भूत सिफारिश है। आओ काका जी आओ, हर भूत सिफारिश है। जो तेरी मर्जी है, मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। ये तो प्रेम की बाजी है, ये तो प्रेम की बाजी है। कोई माने ना माने, मेरे काका जी तो राजी। कोई माने ना माने, मेरे काका जी तो राजी हैं। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है। मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी। लगा लो मेरे काका जी मेरे प्यारे, मुझ चरणों से लगा लो मेरे काका जी प्यारे। मेरी सांस सांस में काका तेरा नाम है प्यारे, मुझ चरणों से लगा लो मेरे काका जी प्यारे प्यारे। मुझ चरणों से लगा लो मेरे काका जी सबके प्यारे। अलिया हम सब संगीत मंडली और खास करके प्रशांत भाई, प्रथमेश भाई और तबला पे प्रथमेश और प्रफुल भाई, मैं नाम भूल जाता हूँ, प्रफुल भाई, सचिन भाई, सबको खूब खूब धन्यवाद। जोरदार तालियां इन पूरे मंडल के लिए। और हमारे निलंबन तो खास मेरठ से आए, निलंबन के लिए जोरदार तालियां। हाँ जी, बापू कहते हैं उनका एक भजन और सुनना है, है? बाजू वाले ओके। सब टॉपिक वाइज भजन हमारे, जब भी हम बोल देते हैं हमारे जयू बेन को, तो वो पूरे रिसर्च करके सब अच्छे से अच्छे भजन ढूंढ के सबको सेट हुए ऐसे भजन ढूंढ के देते हैं। तो जोरदार तालियां हमारे जयू बेन के लिए, उनका भी खूब खूब भाव है। कल भी हमारा
कार्यक्रम जारी रहेगा कल सुबह में, महापूजा है, महापूजा के बाद भी हम नीलम बेन के भजन सुनेंगे और कल शाम को भी भजन में हम यात्रा सुनेंगे। अभी हेमंत भाई को प्रार्थना है कि जो जो अनाउंसमेंट है, खास करके एक बोलने का था कि जिसको जिसको यज्ञ का फॉर्म दिया है वो प्लीज़ जल्दी जल्दी भर के अपने बाजू वाले मित्र मंडल जो भी है भर के जल्दी से भरत भाई, गिरीश भाई को या तो दीपक भाई जागीरदार को दे दे, ताकि हमारी जो यज्ञ का 28 तारीख को है, 28 दिसंबर को, उसके लिए हम त्वरा से कार्य कर सके। पूज्य हेमंत भाई से प्रार्थना है अगला कार्य। जयन स्वामी महाराज की जय। हम पुष्पहार से हमारा सब ये मंचस्थ स्वरूप है उनको और काका जी को अभिवादन करेंगे। सबसे पहले हमारे ठाकुर भाई जो पेरिस से आए हैं, वो कल जा रहे, आज रात को ही जा रहे हैं। ठाकुर भाई को प्रार्थना है कि वो आकर काका जी को हाथ में पहनाए। ठाकुर भाई प्रवीण भाई ठक्कर, उनका 75 ईयर्स उन्होंने पूरा किया है, लेकिन उनको कुछ अर्जेंट काम था तो उनको जाना पड़ा है, तो उनके तरफ से गिरीश भाई को प्रार्थना करता हूँ कि वो यहाँ आके काका जी को हार अर्पण करे। गिरीश भाई साथ में शीतल बहन, उनका भी आज बर्थडे है, तो दोनों की ओर से वो काका जी को हार अर्पण करते हैं। इरेन, हमारा इरेन जो का शादी हो गया अभी 22 तारीख को, इरेन को प्रार्थना है, बापू को हार पहनाएंगे। इरेन भाई मिस्त्री, इरेन भाई मिस्त्री पूज्य बापू को हार अर्पण करेगा। हाँ, इरेन भाई और नेहा बहन को खूब खूब शादी की बधाई। इसी तरह हमारा मितेश चावड़ा, मितेश चावड़ा उसका भी शादी हो गया अभी अभी, उसको प्रार्थना है कि वो भरत भाई को हार पहनाने को आए, मितेश भाई चावड़ा। हाँ, दोनों के नेहा को भी प्रार्थना है कि यहाँ स्टेज पर आए और तारे नितेश भाई की वाइफ श्रद्धा बहन को भी प्रार्थना है कि वो स्टेज पर आए। नेहा बहन को भी प्रार्थना है कि स्टेज पर आए। दोनों का शादी, दोनों के लग्न जीवन बहुत बहुत सुखी, आनंदमय और शांतिमय रहे। हमारा आयुष मिश्रा, उसका अभी बर्थडे गया,
आयुष को खास प्रार्थना है कि स्टेज पर आके वशी भाई को हार अर्पण करें। आयुष मिश्रा को प्रार्थना भगत, आनंद भगत को प्रार्थना है कि वो राजू भाई को हार पहनाएगा। आनंद भगत को प्रार्थना है कि राजू भाई को हार पहनाए। मलाड के हमारे अमृत भाई को प्रार्थना है कि वो प्रवीण भाई को हार पहनाए। और नागेश कुलकर्णी उनको प्रार्थना है कि वो किशोर भाई मास्टर्स जो कल यहाँ से विदा लेंगे लंदन जाने के लिए, उनको प्रार्थना है कि नागेश भाई कुलकर्णी को कि वो किशोर भाई मास्टर्स को हार पहनाएंगे। प्रवीण भाई मास्टर्स को हार पहनाएंगे। अमृत भाई आज अंकुर का बर्थडे है, अंकुर उनका सुपुत्र प्रवीण भाई का, और बहुत ही एक्टिव हमारा सत्संग मंडल का मेंबर है, युवक मंडल का खास करके, तो हमारी भावना अंकुर तक पहुंचाए प्रवीण भाई, ऐसी खास प्रार्थना है। हमारी फोरम बहन वजोर का कल बर्थडे था, परसों बर्थडे था, उनको प्रार्थना है कि वो आरती बहन उनकी 19 जुलाई को बर्थडे है, तो फोरम बहन आरती बहन को हार पहनाएगी। फोरम बहन को प्रार्थना है, वो आरती बहन को हार पहनाएगी। वेदांत कामोटी भरत भाई के हाथ से वो स्मृति गिफ्ट है, उसने बहुत ही अच्छे पूरा 15वां अध्याय मुखपाठ बोला हमारे सामने। वो ऐसा ही नहीं होता है, उसमें बहुत ही श्रद्धा होनी चाहिए, बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। जय सर को हार्दिक शुभेच्छा, बहुत बहुत जनजन में आ गया है। उसके पेरेंट्स को भी बहुत धन्यवाद है, क्योंकि पेरेंट्स की तरफ से मोटिवेशन मिलता है तो ही होता है। इतनी बड़ी सिद्धि उसके पिताजी रमेश भाई कामोटी एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर है, और वो बहुत ही इंटरेस्ट वेदांत को, रमेश भाई और उसकी मम्मी छाया बहन वेदांत को बहुत ही अच्छी तरह से ट्रेन कर रही है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। कल
जरा थोड़ी दो चार अनाउंसमेंट है वो बराबर सुन लीजिए। कल वशी भाई का प्रागट्य दिन है, हम शाम को 6 बजे के बाद यहाँ इसी जगह पर हम मनाएंगे, तो सब लोग बराबर आ जाए। शाम को आनंदोत्सव है तो वशी भाई का प्रागट्य दिन का, तो सब बराबर 6 बजे यहाँ आ जाए। गुरु पूर्णिमा का समय 27/7 को है, 27/7 वो शुक्रवार है वो दिन, तो फिर भी हम लोग शुक्रवार को ही रखेंगे। शाम को गुरु पूर्णिमा की सभा होगी, ऐसा तो आखा दिन गुरु पूर्णिमा का समय चलता है लेकिन हमारी सभा शाम को होगी, तो सब बराबर आ जाए। यज्ञ के फॉर्म जो वशी भाई ने बोला है, सबको खास खास प्रार्थना है कि अपने जो जो पहचान वाले हैं उनको बराबर दे और उनके पास से वो फॉर्म भरा के इधर जमा करवा दे। अपनी जो पत्रिका है वो सब बराबर ले ले, और आज और कल दोनों दिन, आज और कल दोनों दिन बस की व्यवस्था वेस्टर्न सब में जाने के लिए की है, तो सब उसका लाभ उठाए। जय स्वामी नारायण। मैं पूज्य भरत भाई को प्रार्थना करता हूँ, वो हमें आशीष देंगे। साक्षर मुक्त कोटि सुखदम नैकावतारादिपम ज्ञेयम् श्री पुरुषोत्तमम् मुनिवरै वेदादि कीर्त्यम् विभुम् तन्मूलाक्षर युक्तमेव सहजानन्दम् च वन्दे सदा जेनी अमृतवाणितो वैरई साक्षात् महिमा रूपे जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे शुभव्याक्षर पदे शरणागत निजाल्प जीव सौनाश्रेयार्थे तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। बोलो सहजान स्वामी महाराज नी जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज नी जय। प्रत्यक्ष धाम धामी मुक्तो नी जय जय जय। गुरु हरि काका जी महाराज, गुरु हरि पप्पा जी महाराज, बंधु बेलड़ी, शताब्दी महोत्सव नी।
सभी गुणातीत स्वरूपों की, वसी भाई प्रागट्य पर्व की, आज के आनंद की जय। एक मिनट धून करेंगे, आज बहुत बहुत भक्तों का प्रागट्य दिन है, बहुत भक्तों ने आज के रसोई में भी पार्टिसिपेट किया है, सेवा दी है, और जिसको जिसको कोई भी प्रॉब्लम मुश्किली तकलीफ है उसके लिए हम सब मिल के एक मिनट धुन करेंगे। आज हमारे कृष्ण मुरारी शर्मा, पूनम बेन साहोर के फादर, उनका भी बर्थडे है, उनके लिए हमारे हिरेन भाई, मितेश भाई का जो लग्न हुआ उनके लिए भी उनको बधाई देते हुए, उसने भी सेवा करी है, और प्रवीण भाई ठक्कर का भी जो बताया इसी तरह से उसने भी बहुत सेवा करके जीवन धन्य बनाया है। आज अंकुर भाई का भी प्रागट्य दिन है, ऐसे बहुत भक्तों के जन्मदिन है। ठाकुर भाई भी इधर आए हैं, उनका भी प्रागट्य दिन है। तो सब जिसको जिसको कोई भी तकलीफ मुश्किली मुंजवण है उनके लिए 7 तारीख को आते हैं, वो सब मिल के हम धुन करते हैं एक मिनट। स्वामी नारायण 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 जम 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 नारायण हे महाराण नारायण 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 जम 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 नारायण अखंड मूर्ति में रहो मूर्ति में रहो, वो बात हमने बहुत बार सुनी है। महाराज ने प्रथम का पहला वचनामृत में कठिन साधन वो अखंड वृत्ति का बताया। अखंड वृत्ति का बहुत सारी बातें वसी भाई ने बताई, कैसे कैसे अखंड वृत्ति रह सकती है वो भी बताया, योगी जी महाराज के वाक्यों से वचनामृत के वाक्यों से बहुत सारे प्रसंग बताए। मन है, जहां तुम्हारा मन वहां तुम, जब भी मन प्रभु में अखंड है तो आप प्रभु के पास है। मन जहां है वहां, मगर मन बड़ा चंचल है, वो एक जगह में बैठता नहीं है, इसलिए मन को कंट्रोल करना चाहिए, मन को मित्र बनाना चाहिए, तभी वो अखंड वृत्ति रहने में सहाय रूप बनेगा। नहीं तो मन कभी इधर जंप करता है कभी उधर जंप करता है ऐसे। इसलिए किसी ने बताया भी है, मन की वृत्ति एक है, चाहे वहां लगाओ, कहां तो हरि की भक्ति करो या तो विषय कमाओ, इसलिए मन की वृत्ति एक रखनी। और उसके लिए हमें हर रोज ये जो काका जी बताते थे स्वरूप योग, मन की वृत्ति पहले कॉन्सेंट्रेट करो, स्लोली 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 वो एकाग्र हो जाएगी, और उसके लिए बहुत सारे मेडिटेशन वगैरह बहुत सारे प्रयोग है। दूसरी एक वृत्ति है चित्त की वृत्ति। चित्त की वृत्ति है वो फोटोग्राफिक है। स्वामीनारायण भगवान जब भी समाधि कराते थे तो चित्त में छाप हो जाती थी। एक भक्त था, उसने सोचा कि मेरे को महाराज का दर्शन ही नहीं करना है, महाराज का दर्शन करूं तो समाधि होए ना, इसके लिए वो महाराज का दर्शन नहीं करना है ऐसा पण लेके बैठा था। मगर जब भी महाराज वो गली में से पसार हुए, उसने अपना शटर बंद कर दिया,
बाद में जब भी महाराज चले गए और थोड़ा बारणा खोला तो महाराज ने वापस दृष्टि करी और उसकी दृष्टि एक मिली, चित्त में छाप पड़ गई। तो महाराज की इतनी करुणा कि वो मूर्ति उसको अखंड हो गई, अखंड मूर्ति, अखंड वृत्ति, महाराज में अखंड वृत्ति लग गई। अखंड वृत्ति लग गई तो जहां भी देखेंगे वहां महाराज दिखता है, खाना खाने को बैठते हैं तो महाराज दिखता है, किधर भी भक्त को देखते महाराज दिखता है, जहां भी देखे वहां महाराज, अखंड वृत्ति। परेशान हो गया कि मेरे को महाराज का दर्शन नहीं करना है, मगर वो अंदर बैठ गए, क्या करूं? अभी महाराज को निकालना है, अभी वो जो चित्त में छाप पड़ जाती है वो निकालनी मुश्किल है। चित्त में एक दृढ़ाव हो गया तो वो निकाल, चित्त से स्वरूपानंद स्वामी को महाराज की मूर्ति ऐसी दृढ़ हो गई थी चित्त से, वो एकदम जहां भी उसका जो फोटोग्राफिक हो गई थी, तो वो उसको निकालने के लिए बहुत कठिन है। और वो कभी कभी हम देखते हैं कि कभी माइंड में कोई विचार घुस जाता है, वो चित्त तक पहुंच जाता है, तो उसको निकालने के लिए बहुत कुछ श्रम करना पड़ता है, नहीं तो वो निकलता नहीं है। मगर भगवान की कृपा और ईसा होएगा तो ही वो निकल सकता है। तो ये एक चित्त का स्वभाव है, चित्त की वृत्ति, चोटवानो स्वभाव जेने कहे। तो ऐसी जो वृत्ति है वो भी अखंड वृत्ति करने में काम में आती है, मगर उसमें परेशानी बहुत है। जो भक्त को हुई बाद में उसने सोचा अभी करूं क्या, महाराज ही दिखते, मेरे को महाराज नहीं देखना है। तो बाद में कोई भक्त ने के कोई ऐसा मिला कुसंगी, उसने बोला तुमको महाराज की मूर्ति को मिटानी है, जैसे कुछ भी मिटाना है ना तो उसके लिए कोई सॉल्यूशन आता है, या तो कोई ऐसा उसको गर्मावा दो तो वो निकल जाएगी, इसी तरह से चित्त में छाप पड़ी है उसको भी निकालने के लिए, पिघालने के लिए कुछ उपाय है। तो ऐसे वो वृत्ति को निकालने के लिए उसने बोला कि आप है ने महाराज को लसन डूंगड़ी पसंद नहीं है, और उसका वो बात करते हैं, आप लसन डूंगड़ी खाने लगो तो आपकी वृत्ति महाराज में से निकल, महाराज चले जाएंगे। देखो ये एक इसी तरह से उपाय बताया। तो ऐसे चित्त में जो छाप पड़ती है ऑटोमेटिक पड़ जाती है, भगवान की कृपा से या तो उनके ऐसे प्रसंग में हमको एक उनका लगाव होता है, वो तो चित्त की वृत्ति चित्त में छाप पड़ जाती है। तो ये मन बुद्धि, बुद्धि में एक ठहराव हो जाता है, वो भी अखंड वृत्ति का एक ये है। बुद्धि में जो ठहराव होता है वो दृढ़ होता है, और वो बुद्धि में एक बार बैठ गया तो उसको कोई नहीं हिला सकता। वो बुद्धि मीन्स ज्ञान, समझण, वो समझण होती है तो वो बाद में वो स्थिर वृत्ति, वो दृढ़ वृत्ति रहती है। तो ये हमारी ये अखंड वृत्ति रखने की बहुत सारे उपाय है, उसमें बहुत सारे बताए भी है, सबकी बात हम नहीं जाएंगे। मगर अगर भगवान में अखंड वृत्ति रखनी है तो सिंपल में सिंपल बात ये है कि महाराज को स्वामीनारायण 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 अखंड जप यज्ञ करते रहो। अखंड महाराज को कोई भी क्रिया में जब भी समय मिले तो हमारा जप में हमारा मन लगा देना चाहिए। स्वामीनारायण 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 अखंड वृत्ति हमारी, काका जी बताते थे श्वासोश्वास के साथ तुम्हारी ये वृत्ति लग जानी चाहिए तो अखंड वृत्ति रहेगी। और उससे भी आगे अखंड वृत्ति रखने के लिए दूसरा उपाय है कि भगवान को कर्ता हर्ता मानो। हम भूल जाते हैं भगवान में अखंड वृत्ति रखनी है, कर्ता हर्ता भगवान है, वो करने वाले हैं। अगर उसको हम कर्ता हर्ता मानेंगे तो हमारी वृत्ति भगवान में रहेगी। कुछ भी हुआ, कुछ भी प्रसंग बना, मान हुआ, अपमान हुआ, जस मिला, अपजस मिला, हर एक में प्रभु कर्ता हर्ता है, महाराज कर्ता हर्ता है, मेरे को जो प्रत्यक्ष स्वरूप मिला है वो कर्ता हर्ता है। ऐसी जो समझण दृढ़ होएगी तो अखंड वृत्ति रहेगी। उससे भी आगे एक बहुत बड़ी बात है अखंड वृत्ति रखने की जो फाइनल, वो ये है कि हमारी कॉन्शियसनेस बन जानी चाहिए। मैं प्रभु का हूं, मैं स्वामीनारायण भगवान का हूं, मैं ऐसे प्रत्यक्ष स्वरूप का हूं, ऐसा जो कॉन्शियसनेस दृढ़ हो गई तो
तो उनको अखंड वृत्ति रखने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा, सहज रहेगी। जैसे अपने नाम का जो कॉन्शियस हमारे जीव में बैठ गया है कि मेरा नाम भरत भाई है, तो इसी तरह से जो मेरी नाम का जो वृत्ति, मेरे नाम की जो कॉन्शियसनेस वो बन गई है, तो मेरे को सपने में, जागृत में, सुसुप्ति में कभी भी वो अखंड है। ऐसी वृत्ति भगवान से जुड़ जाए, जीव में दृढ़ा हो जाए, तो वो कॉन्शियसनेस बन जाएगी और तभी ये अखंड वृत्ति जागृत, सुसुप्ति, स्वप्न तीनों अवस्था में रहेगी। और वो तीनों अवस्था में रहने के लिए कठिन साधन है, जो हम बहुत बार उसके प्रसंग भी सुनते हैं। वो गुरु ने उसको बोला कि भाई तुमको जागृत में पहले मैं मारूंगा, फिर बाद में बोला कि अभी लकड़े की तलवार से मारूंगा, बाद में बोला लोखंड की तलवार से मारूंगा, बाद में बोला अभी तू सोया हुआ तभी मारूंगा, बाद में बोलते जब भी तुम सुसुप्ति अवस्था में होगा तभी भी मारने को आऊंगा। इसे तीनों अवस्था कितना कठिन मार्ग बताया, मगर ये प्रत्यक्ष स्वरूप मिले है, इसे संत मिले है, तो हमारी अखंड वृत्ति सहज रहती है, क्योंकि मैं उनका हो गया तो मेरे में ये कॉन्शियसनेस सहज बनती है। तो आज स्वामीनारायण भगवान, काकाजी महाराज और सभी गुणातीत स्वरूपों के चरणों में प्रार्थना करते हैं काकाजी महाराज को ऐसी अखंड वृत्ति के बहुत सारे प्रसंग है। काकाजी को बोला कि नंदा जी का इलेक्शन लड़ो, अभी कार्य कुछ भी हो, मगर अगर हमारी वृत्ति प्रभु में है तो उनसे साक्षात्कार होता है, उनसे हमारे को रियलाइजेशन, ज्ञान समाधि हो जाती है, और वो आज्ञा से शुरू होता है, और वो आज्ञा का पालन किया तो काका जी को ये तो एक प्रसंग है हमारे लिए है, मगर साक्षात्कार हो गया। कोई ऐसा बोलेंगे कि इलेक्शन लड़ने से साक्षात्कार होता है, ऐसा नहीं है, तो सब लोग इलेक्शन लड़ने को जाएंगे, मगर योगी जी महाराज का वचन, योगी जी महाराज के वचन में पूरी श्रद्धा और ओड में ओड सर्कमटेंसेस, उसमें भी योगी महाराज की तरफ दृष्टि रखी तो वृत्ति कहाँ रही, महाराज में रही, अखंड योगी महाराज में रही, तो साक्षात्कार हुआ। ऐसे अखंड वृत्ति हमेरी सब की बनी रहे, और ऐसा अखंड वृत्ति में हम जीवन जिए। आज वसी भाई का भी प्रागट्य दिन हम कल मनाएंगे, सबको प्रागट्य दिन मनाने के लिए आना है, कल आनंद करना है, और सब युवा युवक मंडल, सभी भक्तों मंडल, सभी को खूब खूब उसमें उत्साह आनंद है, तो सब कल भी आना। आज भले थोड़ा लेट हुआ है, मगर कल भी जरूर से शाम को 6 बजे तक यहाँ आ जाना और आनंद करना। वसी भाई ऐसे साधु है, वो बड़े ऑफिसर है, सब कुछ है, वो अलग बात है, मगर वो ऐसे संत है, और ऐसे संत के हमें जो दर्शन मिलते हैं, ऐसे साधु के जो दर्शन होते हैं, वो हमारे लिए बड़े भाग्य की बात है। काका जी ने ऐसे साधु विशिष्ट रूप से हमको भेंट में दिए हैं। वसी भाई जिसके पास है उसका गर्व होना चाहिए कि वो हमारे पास वसी भाई है, और ऐसे वसी भाई का कल हम प्रागट्य दिन मनाने वाले हैं, तो हम बहुत बहुत कल आनंद करें और वसी भाई का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त करें, ऐसी उसकी करुणा प्राप्त करें कि जिससे हमारे दिल में जैसे अगन वसी भाई के दिल में है, ऐसी काका जी पप्पा जी का शताब्दी महोत्सव मनाने की हमारे सभी के अंतर में हो जाए, यही प्रार्थना करते हैं। वसी भाई ने बोला है, वसी भाई को सबसे बड़ी गिफ्ट ये देनी है कि जो भी यज्ञ में बैठना चाहते हैं, जो भी कपल, वो अपना फॉर्म भर के वसी भाई को बोलो हमने फॉर्म भर दिया, ये सबसे बड़ी गिफ्ट है, और ऐसी गिफ्ट हम वसी भाई को दें और उसके अंतर में खूब खूब खुशी होए, आनंद होए, ऐसा हमारा जीवन हमेशा बना रहे, यही प्रार्थना। सहजान स्वामी महाराज की जय। श्रीमद सद्गुणशालिनं चिदचिदव्याप्तं च दिव्याकृतिं जीवे साक्षरभोक्तकोटिसुखदं नैकावतारादिपम्
ज्ञेयं श्री पुरुषोत्तमं मुनिवरै वेदादि कीर्त्यं विभो तन्मूलाक्षरयुक्तमेव सहजा नन्दं च वन्दे सदा जयनीयमृतवाणितो वैरही साक्षात् महिमारूपे जयनी ब्रह्मस्थिति अहोलिनकरे शोभाव्ययक्षरपदे शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे सजान स्वामी महाराज निजे अक्षर प्रसम महाराज निजे मुक्ताक्षर प्रसम महाराज की जय आने वाले भक्त मंडल की जय। कल वसी भाई का जन्मदिन है फिर भी हम मिलने वाले हैं, लेकिन जब आज एक वसी भाई करते हैं ये भजन संध्या के साथ साथ एक कॉन्फ्रेंस हो जाती है क्या, एक अखंड वृत्ति के ऊपर आज एक सब्जेक्ट के ऊपर कॉन्फ्रेंस हो गई है। कोई नया कानून आता है तो उसके ऊपर जो काम करने वाले उसकी एक फिर मीटिंग होती है। तो आज हम जो मार्ग पे चले हैं तो उसपे हमें कैसे आगे बढ़ना, इसके लिए है खूब 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 हमको ये दिया। मैं टुंक में बताता हूं मध्य चौदह वचनामृत है कि एक बार निश्चय हुआ है कि ये नीम का झाड़ है, फिर उसको कोई बोले कि नहीं ये आम का पेड़ है तो भी आपको निश्चय जाएगा नहीं। ऐसा प्रकट स्वरूप के अंदर ऐसा निश्चय और उसको मैंने कल्याणदाता माना है तो उसमें फेरफार न हो, ऐसा हमारी कॉन्शियस सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड तक में ये विचार होना चाहिए। फिर हम एक रोज भजन गाते हैं कि अखंड वृत्ति दृढ़ कैसे करनी, खाते पीते चलते फिरते सब भी क्रिया में जप ले श्वासो श्वास में स्वामी नारायण, स्वामी नारायण रटले महिमा से स्मरण करके अक्षर धाम को पाते गुंज रहा नवखंड दरा में महिमा अपरंपार है। ओम स्वामी नारायण, ओम स्वामी नारायण, ओम स्वामी नारायण, ओम स्वामी नारायण। तो ऐसा हमें निश्चय, और काका जी बोलते यदि हमारा मन प्रभु में न रहे कम से कम सुबह आधा घंटा, काका जी ने आधा घंटे में से 15 मिनट भी छोटे पांच मिनट हमारे प्रभु की जो मूर्ति का जो पोज पसंद है उसके सामने विदाउट ब्लिंकिंग योर आई देखा करो और श्वास के साथ मंत्र जोड़ के जाप करो और प्रभु को बोल दो भाई मैं प्रभु आपका आई हैंड ओवर माय रिमोट अनटू यू एंड नाउ यू गाइड मी। बस इतना ही करेंगे तो बाकी का काम भगवान करेगा। सजानंद स्वामी महाराज की जय। बस हमारी सभा का कार्यक्रम यहाँ समाप्त होता है। सब लोग को प्रार्थना है प्रसाद लेकर ही जाए और कल सब बराबर टाइम पे समय सर 6 बजे आ जाए तो हम बराबर कार्यक्रम शुरू कर सकेंगे। आप सबको इतना लेट हो गया है फिर भी बैठे हैं इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।